Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं ट्रेंडिंग मीम्स। वाह बेटे मौज कर दी, मीम्स फ्रॉम दी चैनल सोनी जी। तो इनके चैनल पे हम पहले भी आ चुके हैं और मीम्स देख चुके हैं इनके चैनल पे, तो हम फिर से आ गए आज मीम्स देखने के लिए। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। So let us see how सोनी जी के चैनल से एंटरटेनिंग मीम्स आर गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। अच्छा एक मेरा प्रश्न है, ये औरतें मर्दों के कपड़े पहन सकती हैं, मर्द क्यों नहीं पहन सकते औरतों के कपड़े? ये सवाल देखिए कौन पूछ रहा है। आपसे ज्यादा साड़ियां तो विद्या बालन ने नहीं पहनी। अभी भी इनकी जेब चेक करो, दो संतरे निकलेंगे। मैं संतरे नहीं अमरूद यूज करता हूँ। पहले की बात है, एक लड़की ना मुझसे खेल रही है, मेरी बॉडी तो है नहीं, मुझसे चेजा ले रही है, मुझसे मेरी टेक करी, मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे कह रही है आप कितने पुशअप लगा लेते हो? मैंने कहा 5 या 10, और अगर आप नीचे हो तो 50। ये समझ गए, क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। बचपन में मैंने सुना था कि परियां होती हैं, बट एक्चुअल में मुझे नहीं पता था कि इंटरनेट से ऐसे परी डाउनलोड हो जाएगी, तो मैंने परी डाउनलोड कर ली है। और नहीं तो क्या यार, लेकिन ये ठीक नहीं है। I'm Dr. Stephen Strange. I need you to come with me. We need your help. Look, it's not overselling it to say that the fate of the universe is at stake. आनंदी, मैं कह रहा था कि मेरा इंटरेस्ट है आपके बुक्स में। क्या बुक्स में? ये जो तुम पढ़ रही हो, क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो? क्या पता आगे चल के काम आए। तुम तो कॉमर्स स्टूडेंट हो ना, और ये बायोलॉजी है, तो तुम्हारे किस काम? हमें कॉमर्स में सिखाया जाता है कि नॉलेज कहीं से भी क्रेडिट हो, हमेशा प्रॉफिट अकाउंट में जाती है। बातें बहुत अच्छी फेलते हो तो। अरे बातें क्या, तुम मुझे ट्राई तो करो, मैं तो तुम्हें भी बहुत अच्छे से फेल दूंगा। शादी को 5 साल हो गए, उसका सबसे छोटा भाई 2.5 साल का है। आप सोचो क्या साजिशें चलती, अभी भी फोन बजता ना तो मैं डर जाता हूँ कहीं खुशी की खबर तो नहीं आ गई। एक सेकंड बाद से खुशी की खबर आएगी, पापा तो आज नहीं रहते हमारे साथ। उनको तो 1 महीना आया हुआ है, क्या पता एग्जाम दे आए और रिजल्ट आना बाकी हो। अपनी बुढ़ी गाड़ी दी गारा। भाभी जी आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है। इनके साथ रह के सारे गाँव ने सीख ली, पर इनको अभी तक इंग्लिश नहीं आई। मेरे बच्चों से मिलो, ये वरुण है उन पे गए, ये रोजी है मुझ पे गए, और ये जैक्सन है। जैक्सन किस पे गया है? मैडम जी, यस उसी पे गया है, सबसे बराबर समझा। थोड़े पैसे डाल दो ना कम। बक्की यारियों यारियों यारियों, कोई अच्छी जगह ले जाना। राम को क्या बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर? माय पेरेंट्स ये सच्ची में। तो दोस्त की इस बेइज्जती के बाद कुछ हम पेश करना चाहेंगे। कर दो कर दीजिए कीजिए जी। कि किसी दिन कोई मोहल्ले वाला रख देगा तुझे टांग के। टांग रख देगा किसी दिन कोई मोहल्ले वाला रख देगा तुझे टांग के, खुद खरीद के लाया कर, मत पिया कर बीड़ी मांग के। बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ऐसी बीवी मिली है। ओ जी बस, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ
उसकी ऐसी बीवी सबको दे दे, हमें तो दे ही रही है। ए हसीना, ए हसीना मत बता तेरा सीना, सीने में हम भी दम रखते हैं। अरे उन खाली ब्रा में बम रखते हैं, मगर हम ड्रायर में गन रखते हैं। हम आज भोपाल शहर के न्यू मार्केट इलाके में खड़े हैं, जहाँ देखने को मिलता है कि गाड़ी का टायर फट गया। मतलब लाइक आनिया, आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं आपकी? आप बताइए, हमें कुछ नहीं बताना। मेरी ख्वाहिशें सुनोगी आप? ठीक है, रुको मैं अपनी ख्वाहिशें आपको सुनाता हूँ। ठीक है, सुनाओ यार। एक मिनट, चलो भाई। हमारा एक बड़ा बेडरूम है, तो तुम क्या करना भैया, दामाद जी उस बेड पे ले जाना, बेड के नीचे ये सो जाएंगे। और इसका क्या है, ये तो अलमारी पे भी सोती है, ये तुसी है। अरे नहीं नहीं, अलमारी पे तो मम्मी सोती है। अच्छा दुरानी, तू अलमारी पे सोती है तो फिर मेरा देवर कहाँ सोता है? अरे चढ़ जाता है अलमारी पे वो। ये कैसा पागल शो है यार। जब दोस्त को पता चले कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करती है, दोस्त के पूछने पर उसकी गर्लफ्रेंड अपनी किस्म खा कर कह रही है, दिल में दिल ठोक कर कह रही है, मैंने एक दिन भी बात करी हो तो। किससे? और चाहे तुम अपने किस्म से कह रही हो, इतनी बड़ी भगवान से किस्म खा रही हो, अगर मैं साफ सुथरी फिल्म होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, हम हीरोइन किसे लेंगे? काम कर रहे हैं आप, सनी लियोनी को ले ले। सनी लियोनी पर ये कर लेगी क्या? वो हाँ, पर उन्हें लेकर क्या फायदा होगा? अबे लोगों की फिल्में हाउसफुल जाती है ना, इनकी फिल्म तो कोना भी फुल होगा। आप भूल गए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सनी लियोनी को लेने का क्या फायदा, पता है क्या, उनकी फिल्म देखने के बाद ना लोग अपने घर नहीं जाते, दूसरों के घर में घुसने लगते हैं। वही पे उसको जो मार रहे हैं यार, प्यार का समंदर इतना भर दो कि उसमें मेरे दिल का टाइटैनिक सिंक हो जाए। ओ ओके, प्यार का समंदर इतना भर दो कि उसमें मेरे दिल का टाइटैनिक सिंक हो जाए। बन जाओ तुम आधार कार्ड, मैं बनता हूँ पैन कार्ड, आओ लिंक हो जाए। ये क्या था यार, ये क्या था सच्ची में, लास्ट वाला। ये बहुत सारे कपिल शर्मा शोज के वो वाले मीम्स थे इसमें, बहुत सारे सोनी जी के चैनल पे। हाँ सही थी मीम्स, मजा भी आया है ना। लेकिन यार कपिल शर्मा शो ना फैमिली शो बोलते हैं, लेकिन एक भी बात फैमिली शो वाली होती नहीं है यार, इसीलिए शायद देखते हैं लोग अभी भी। सच्ची में अभी भी देखते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते, अभी भी सच्ची में देखते हैं लोग, एंड दैट्स सरप्राइजिंग है ना। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट। Thank you.